Hello everyone, now this is the fourth division in your plant kingdom. Now let's evolve the plants. We have seen the evolution of plants from algae up to pteridophytes. How algae, it was having a dominant gametophyte that produces gametes, and gametes fuse to form zygote, which soon undergoes meiosis without forming any special sporophytic structure. So that was the life cycle of algae. Then we have also seen bryophytes, which have gametophyte as the dominant structure, which produces gametes. Gametes fuse to form zygote. Zygote will develop into sporophyte, which is dependent totally or partially on the gametophyte. Then in pteridophytes, we have seen the sporophyte is the dominant structure, which has true root, stem and leaves. In last lecture, we have seen the pteridophytes. As well as the sporophyte will produce spores that will be of two types, heterosporous condition mein dekhe the, homosporous, heterosporous. Heterosporous mein microspore, megaspore, they will be produced, which will fuse to form zygote. Zygote is retained, which forms embryo, which is also retained on female gametophyte, and that female gametophyte embryo will germinate, and that embryo will grow into sporophyte, and sporophyte will be deployed. मतलब इस तरीके से लाइफ साइकिल चल रही थी. कहीं पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, जैसे कि अल्गी ब्रायोफाइट में, लेकिन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया था. ओके, और कहीं पे फिर स्पोरोफाइट एब्सेंट था, जैसा अल्गी में ज्यादा डेवलप नहीं था स्पोरोफाइट नाम का स्ट्रक्चर, लेकिन ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज डेवलप्ड. फूड सेटा कैप्सूल रहती है उसको, लेकिन इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. वैसे ही आपके अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट, सॉरी इट इज फ्री लिविंग. इट फॉर्म्स, इट डेवलप्स एज अ प्रोथैलस. सो गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन योर स्पोरोफाइट. अब आगे बढ़ते, सेम चीज रखने की, स्पोरोफाइट को डोमिनेंट रखने का, मतलब स्पोर बनाने वाला जो प्लांट बॉडी रहेंगी वो डोमिनेंट रहेंगी यहां से आगे. अब हमारे आसपास जो प्लांट्स हम देख रहे हैं, तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, these are the two plants which are categorized under your phanerogams, that is flowering plants or flower producing plants. आपको classification of plant kingdom याद आ रहा होगा, तो cryptogams और phanerogams, ये दो plants के types अपन ने देखे थे. इनमें sex organs hidden रहते हैं, इनमें sex organs exposed रहते. Okay, they are non-seeding, मतलब seed produce नहीं करने वाले, spore producing plants. Okay, mainly spores के through or asexual reproduction के through इनका reproduction होता, बट दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, इनमें सीड्स तैयार होते. इनके अंदर थैलोफाइट्स मतलब अल्गी, ब्रायोफाइट्स मतलब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और टेरिडोफाइट्स मतलब फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स याद. और इसी तरीके से इसमें दो आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो हम अब डिविजन नंबर फोर देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म. ओके, सो व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स विच आर फनेरोगैम्स, मीन्स दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, बट their flower is without ovary or wall, ovary wall, without ovary or ovary wall. इनमें ovary नहीं रहती. अब ovary क्या रहती, तो वो समझने के लिए आपको एक typical flower का structure पता होना चाहिए. जैसे कि कोई भी flower ले लो, hibiscus, गणपति को जो अपन फूल चढ़ाते ये वाला, okay, जासवंद वगैरह, तो ये फूल के अंदर क्या रहता, ऐसे कोरोला रहेगा, उसको पंखुड़िया रहेंगी उसकी, ठीक है, वो पंखुड़िया पूरी जुड़ाली रहेंगी, एक ऐसा थैलामस रहेगा और उसको ग्रीन कलर के ऐसे कैलिक्स रहेगा, ठीक है, फिर यहां से उसको एंड्रोशियम और बीच में से एक गायनोशियम रहेगा. ओके, और ये जो नीचे है यहां पे इसको एक ओवरी रहेंगी, जिसके अंदर यहां पे आपके ओव्यूल्स रहेंगे. दिस इज द ओवरी विच कंसिस्ट ऑफ, which is having ovules in it. Ovules are produced inside the ovary. और ये हो जाएंगे तुम्हारा stigma, style. ये हो जाएंगे आपका androecium, मतलब anthers. Anthers में रहेंगे pollen grains, जोड़ के यहाँ पे आके गिरेंगे. यहाँ से pollen grains में से gametes यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर fertilization होगा, zygote बनेगा, and then it will develop into your seed. Okay? तो होता कैसे? अब ये सब चीजें अपने को 12th में अच्छे से देखने की, sexual reproduction in flowering plants. अभी सिर्फ अपने को ओवरी की पोजीशन देखने की. ओवरी इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, इट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. अगर आपको एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स का मेन डिफरेंस कहीं बोलना है, आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द मेन डिफरेंस, सो ओवरी इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म. ओके, अगर ओवरी एब्सेंट रहेंगी तो क्या होगा? यहां तो ओवरी प्रेजेंट है. ओके, यहां तो ओवरी प्रेजेंट है. जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद
पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद व्हाट हैपेंस, फ्रूट इज फॉर्म्ड, फ्रूट इज फॉर्म्ड एंड फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड इनसाइड इट. सो फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, ओवरी, दिस ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, याद रखो ये चीज, ये अपने को एंजियोस्पर्म में फिर से देखना ही है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फिर वो फूल झड़ जाएगा और वहां पे फ्रूट आना चालू हो जाता. आपने देखा होगा फ्रूट फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं बेर वगैरह आते जनरली, या फिर आम वगैरह आते, मैंगो वगैरह, तो पहले फ्लावरिंग आती, फ्लावर के फिर बाद में कन्वर्जन आता फ्रूट में. और फ्रूट क्या रहता, एडिबल पार्ट रहेगा या नॉन एडिबल रहेगा, बट जनरली फ्लेशी फ्रूट्स जो रहते हैं अपने उसमें एडिबल पार्ट रहता फ्रूट और अंदर सीड्स रहते, राइट. तो वही चीज है, देखो यहाँ पे फ्रूट है और अंदर से सीड्स है. तो यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा, लेकिन फ्रूट किस स्ट्रक्चर से तैयार हो रहा, फ्रूट इज डेवलपिंग फ्रॉम ओवरी. Fruit is developing from ovary. Means if ovary is present, then fruit will be formed. The wall of ovary gets converted into wall of seed. Wall of fruit, sorry. Wall of ovary gets converted into wall of fruit. That is pericarp. ये जो पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का structure, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो seed के आजू बाजू जो भी है, तुम जो पूरा आम खाते, अपन मैंगो खाते का, कोई भी खा जाते क्या उसके, इतने भिखारी चाले मत करा करो, डायरेक्ट कोई नहीं खाते अपन. आम के क्या करेंगे अपन, ऊपर का छिलका निकालेंगे, उसके अंदर का सॉफ्ट पार्ट, एडिबल पार्ट खाएंगे, फिर कोई को बैठ के चाटते बैठेंगे बंदर के जैसे, राइट. लेकिन कोई नहीं खाते, तो ये जो अंदर पूरी कोई है, ये इसके बाहर जितना हिस्सा है, दिस इज द फ्लेशी पार्ट, इट इज कॉल्ड पेरिकार्प. पेरिकार्प कोई के अंदर एक सीड रहता है एक्चुअली, किडनी शेप का. तो जो कोई है, मतलब आम का जो सीड है, मैंगो का सीड, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्रूट वॉल. वो जो कड़क कवरिंग है कोई की, वो भी फ्रूट का हिस्सा है. अगर तुमने उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर से सॉफ्ट फ्लेशी सीड निकलेगा. ओके, सो ये कोई भी मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फ्रूट वॉल. ऑल दीज थ्री पार्ट्स, एडिबल पार्ट, वो बाहर का छिलका, अंदर का आम का जो एडिबल पार्ट है, फ्लेशी पार्ट, ओके, और जो कोई का कड़क टफ कवरिंग है, दैट टफ कवरिंग अराउंड योर सीड, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सीड फ्रूट, एंड दैट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम वॉल ऑफ ओवरी. इट इज कॉल्ड पेरिकार्प. फ्रूट को क्या बनेगा, पेरिकार्प. तो अगर ओवरी रहेंगी तो फ्रूट बनेगा, ओवरी फ्लावर में रहेंगी तो फ्रूट बनेगा. लेकिन मैं अभी क्या बनाऊ, जिम्नोस्पर्म्स आर द फनेरोगैम्स विदाउट ओवरी. फनेरोगैम्स विदाउट ओवरी मीन्स दे प्रोड्यूस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, उनमें ऐसा कैलिक्स करोला ये भी नहीं रहता, कैलिक्स करोला ये स्ट्रक्चर भी नहीं रहते, ठीक है, कैलिक्स करोला ये भी नहीं इतने सारे, ठीक है, एंड्रोशियम वगैरह हटा दो यहां से ज्यादा, ये सब बाद में. डायरेक्ट ऐसे नेकेड ओव्यूल्स आते हैं उनके, ये नेकेड ओव्यूल, मतलब ओव्यूल्स कैसे रहते हैं उनके, नेकेड ओव्यूल्स, कवर्ड ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी ओवरी वॉल, बिना ओवरी के नेकेड ओव्यूल्स, नंगे पुंगे रहते छोटे बच्चों के जैसे, ओके, उनको कोई कवरिंग. फिर बाद में जब इनका कन्वर्जन सीड में होगा, अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बात करूंगा, सो ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, ओविल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, ओविल का तो सीड बनेगा, नीचे से काट ही देंगे ये जो है, ओके, सीड बन जाएगा इसका, ऐसा सीड बन गया कुछ तो. बट सिंस ओवरी इज एब्सेंट हियर, यहाँ पे ओवरी है क्या, नहीं, सो ओवरी नहीं है तो यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं, फ्रूट इज नॉट फॉर्म्ड. सो नेकेड ओविल्स मीन्स फ्रूट इज एब्सेंट, फ्रूट फॉर्मेशन होगा क्या, अपन जो खाते फ्रूट नहीं, खुले सीड्स आएंगे, नेकेड सीड्स आएंगे, एक्सपोज्ड सीड्स आएंगे, वो हवा में खुले पड़ा रहता है ऐसे, सीड्स आ रहे. अपन जो भी चीज खाते, तुम देखो आम खा लो, टमाटर खा लो, अपने ब्रिंजल बैंगन वगैरह खा लो, इनके अंदर सीड्स रहते, देखो, तो तुम जो एडिबल पार्ट है, अपन फ्रूट के साथ साथ सीड्स भी खाए थे, क्योंकि वो छोटे छोटे माइन्यूट सीड्स रहते, बराबर. लेकिन एक बात गौर करने की, अपन फ्रूट भी खा रहे और उसके अंदर सीड्स है, सीड्स आर हिडन, सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, That is angiosperm. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, सीड इज ओवर इज एब्सेंट, हेंस नो फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड्स आर देयरफॉर नेकेड, सीड्स डायरेक्ट आएंगे क्योंकि यहाँ पे ओवर इज नहीं. तो फिर क्या होगा, देयरफॉर जिम्नोस्पर्म्स का नाम देखो, जिम्नोस मतलब नेकेड, नंगे पुंगे, जिम्नोस मीन्स नेकेड, एंड स्पर्मा मतलब सीड्स.
sperm मतलब seeds. So seeds are naked. Why? Because they are without ovary. And since ovary is absent, fruit formation is also absent. And hence seeds that are produced, they are ovules will be naked. And therefore seeds are also naked. Seeds are also naked seeds. They are not covered by fruit. समझ रहा क्या? मतलब gymnosperms में fruit नहीं आते. Okay, इसके पहले example देख लो. एग्जाम्पल देखने के बाद आपको बातें करते करते बार बार बोलते जाऊंगा, फोटोज आते जाएंगे अपने को बहुत सारी चीजें, क्योंकि जनरली स्टडी में नहीं आया वाली ऐसी चीजें आपके, तो अच्छे से समझ के लो. ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है. जैसे अल्गी थी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आप थोड़े से इन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिए और इन्होंने क्या करे, आप सीड बनाना शुरू करें. लेकिन सीड के आजू बाजू फ्रूट नाम की चीज इन्होंने अभी तक तैयार नहीं करे. वो एंजियोस्पर्म्स ने सीख लिए. उसका क्या यूज है, क्यों सीखे उन्होंने, वो सब एंजियोस्पर्म्स में. लेकिन अभी कैसे सीड्स हैं, नेकेड सीड्स हैं, बिकॉज ओवरी इज एब्सेंट, fruit formation is absent, hence ovules will be naked and ovules get converted into seeds, they are also naked. Okay, agar classification ki baat kare to teen classes hai, cycads aur nitopsida. ये तीन क्लासेस है इसके, जिसके अंदर आएगा साइकस, पाइनस और नीटम. ओके, नीटम बोला, साइकस और पाइनस, दीज आर दी थ्री एग्जांपल्स. आपने साइकस, पाइनस और नीटम, साइकस सभी ने देखा होगा आपके सामने. मैं पहले फोटो बता दे रहा हूं आपने प्लांट्स कहां पर देखे. साइकस देखो ऐसा दिखाई देता, नारियल के झाड़ के जैसा था, खजूर वगैरह के झाड़ के जैसा. इसके देखो स्टेम कैसा नुकीला है, जैसे काटे काटे जैसा है. उसके ऊपर ड्राई ब्राउन कलर के लीव्स रहते, स्केली लीव्स रहते, और ऊपर नारियल के जैसे, कोकोनट को जैसे पत्ती आएगी वैसे पत्तियां रहेंगी इसके अंदर भी. देख रहे हैं सब लोग, ज्यादा हाइट नहीं रहती इसकी, बहुत ऐसा ऊंचा नहीं रहेगा, कई फुट. ओके, एक स्मॉल ट्री जैसा रहेगा साइकस. जनरली होटल्स वगैरह में ऑर्नामेंटल बोल के यूज होता है. अपने यहाँ पे भी जालना में जो फेमस होटल है अपने जालने का, ओके, ट्यूशन के पास में, वो होटल में भी अगर आप गए तो वहां पे बाहर ये वाला ट्री आपको दिखाई देगा साइकस का. तीन झाड़े वैसे छोटे छोटे, या फिर किसी के घर में गार्डन में भी होगा साइकस का प्लांट. ओके, ये है साइकस. वैसे पाइनस, पाइनस कोनीफर्स का मेंबर है. कोनीफर्स मतलब आपके सारे क्रिसमस ट्री वगैरह जितने भी है, क्रिसमस ट्री वगैरह, रेडवुड, रेडवुड के बाद फिर फर वगैरह, जितने भी आपको सॉफ्ट वुड मिलते हिमालय वगैरह में, पूरे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में आपके जो भी ट्रीज आते पूरे, सो वो जो रहेंगे उनके नीडल लाइक लीव्स रहते, उनके बारीक बारीक लंबे लंबे सुई जैसे उनके पत्तियां रहती. व्हाई? बिकॉज बर्फ वहां टिके नहीं. बर्फ अगर वहां पे गिरती है तो बर्फ वो प्लांट में से बह के नीचे गिर जाती. ओके, तो इसके लिए फिर वो ट्रीज जो है सारे कोनीफर्स जिम्नोस्पर्म्स है. याद रखो, सारे कोनीफर्स क्रिसमस ट्री, क्योंकि उसकी पत्तियां ऐसी है. और जो अपन इनडायरेक्टली कौन से प्लांट स्टडी कर रहे, क्रिसमस ट्री वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, उनके अंदर की लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल की बात कर. ठीक है, सो पाइनस इज द मेंबर ऑफ कोनीफर्स. रेडवुड आ जाएंगे इसके अंदर. दुनिया के सबसे ऊंचे प्लांट जैसे कि सिकोया बोल के है, सभी ने नाम सुने वाला होगा, सेम्पर वायरंस. सिकोया सेम्पर वायरंस दुनिया का सबसे ऊंचा, लगभग 370 फीट हाइट रहती है इसकी. ओके, ये ट्री है सिकोया सेम्पर वायरंस. इसका एक दूसरा है सिकोया डेंड्रॉन. इसका डायमीटर तो 16 मीटर का डायमीटर है. 16 मीटर बोलते, सोचो कितना चौड़ा होगा 16 मीटर. इतना गोल घूम के ऐसा कितना, इमेजिन करो 16 मीटर डायमीटर, इतना चौड़ा है ट्री है. ओके, इधर से गए तो उधर एक चक्कर मारने कुछ तुम्हारे को एक मिनट लग जाए, इतना चौड़ा इसका डायमीटर है. सो ये दुनिया के सबसे टॉलेस्ट, सबसे वाइडेस्ट ट्रीज है. मतलब इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड अच्छे बना ले जिम्नोस्पर्म्स, दे होल्ड द रिकॉर्ड फॉर हाइट एज वेल एज विड्थ. ओके, डायमीटर. सो इतने ऊंचे ट्रीज है तुम्हारे, ये सब कोनीफर्स में आते हैं तुम्हारे. हैरी पॉटर सीरीज वगैरह में आपने बड़े बड़े झाड़ जो देखे होंगे, या फिर कश्मीर की घाटियों में जो ट्रीज बताते हैं उसके बीच में से जाते हैं वो गधे बेदे लेके, गधे के ऊपर सामान रख के हीरो वगैरह, राइट? सबने देखा होगा केदारनाथ मूवी, उसके अंदर तो बड़े बड़े ट्रीज जो बता ले, दे आर ऑल व्हाट, दे आर नथिंग बट योर जिम्नोस्पर्म्स. ओके, कोनीफर्स. वैसे नीटोप्सिडा, अभी नीटम, जी को साइलेंट रखो, जी को जोर से प्रोनाउंस मत करो, साइलेंट है. नीटोप्सिडा, नीटम उला, गणितम, कुछ तो भी नवा नाम पड़ेंगे उसका, गणितम वगैरह, इट इज नीटम. सो नीटम उला, ये तो बहुत
इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं क्योंकि इसके जैसा ये अकेला ही जिंदा बचा रहा है, इसके बाकी के रिलेटिव्स पूरे एक्सटिंक्ट हो गए। आपको एनसीईआरटी में तीनों फोटोज दे रहे, साइकस की भी दिया ली, पाइनस की भी दिया ली और निटम की भी दिया ली। सो निटम होला जो है ये चाइना एक फर्न के जैसा, देखो फैन लाइक है, उसके लीव्स देखो पत्ते कैसे उसके फैन के जैसे है क्या। तो ये भी एक बहुत फेमस ऑर्नामेंटल प्लांट है जो अपने आसपास ग्रो होता, उसको ऑर्नामेंटल कैसे ग्रो करते। जनरली ज्यादातर जो अपने ये सब प्लांट्स है इनके बाकी के रिलेटिव्स एक्सटिंक्ट हो गए, आज नहीं मिलते, लेकिन फिर भी दुनिया में आज इनका दबदबा है, लेकिन वो मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट में देखने को मिलते। ओके, हैबिटेट की अगर बात करूं मैं, तो इनका हैबिटेट क्या है, दे आर मोस्टली फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट ठंड जगहों पे, क्योंकि देखो कोनिफर्स वहीं पे मिलते, हिमालय वगैरह में, राइट। प्लस दे आर ऑल्सो जीरो फाइटिक। जीरो फाइटिक मतलब क्या, डेजर्ट लाइक एडेप्टेशन, उनमें डेजर्ट में भी, डेजर्ट जैसी कंडीशन में भी वो अच्छे से विदस्टैंड कर सकते। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, बहुत कड़क एनवायरमेंट में भी ग्रो होते। इनके रूट्स इतने गहरे हो सकते, 50-50 मीटर तक के गहरे रूट्स हो सकते, बहुत ज्यादा डीप तक जा सकते, तो इसकी वजह से बहुत अजीबो गरीब जगह पर भी ये सर्वाइव कर सकते। ओके, बट दे आर नॉट एक्वाटिक, नो जिम्नोस्पर्म इज एक्वाटिक, एक्वाटिक कोई भी नहीं, पानी में, गहरे पानी में, समुद्र में, नदी में कहीं नहीं मिलते ये, सिर्फ तुम्हारे को जीरो फाइटिक कंडीशन वाली जैसी जगह पे, बर्फ वगैरह जहां है ऐसी जगह पे, वहां पे तुमको ग्रो होता है। ओके, समझ में। सो ये नाम वगैरह समझे, अब एग्जाम्पल्स वगैरह हो गए उनके नाम वगैरह होने के बाद, अब उनकी बात करते हैं उनके अंदर आने वाले कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं अपन। जैसे कि उनके हैबिटेट समझ में आए, कोल्ड क्लाइमेटिक, जीरो फाइटिक। अब जीरो फाइटिक मतलब व्हाट आर दी जीरो फाइटिक एडेप्टेशन, उनके अंदर ऐसे क्या चेंजेस है। सो अगर उनके लीव्स आपने देखे, लीव्स, सो सबसे पहले तो लीव्स है तुम्हारे नीडल लाइक लीव्स है, नीडल शेप्ड लीव्स है, अपन ने अभी पाइनस में देखे, देखो। ओके, नीडल जैसे रहने से क्या होगा, उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस सरफेस एरिया ऑफ लीफ, ये रीजन की वजह से सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर लॉस ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, और इसके लिए फिर वो रिड्यूस्ड सरफेस एरिया ड्यू टू नीडल शेप। इसी के साथ उनके नीडल शेप होने के साथ साथ उनके ऊपर थिक क्यूटिकल की भी कवरिंग है, दे आर कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, मोटा ऐसा क्यूटिकल की कवरिंग रहती। क्यूटिकल इज अ सब्सटेंस, इट इज योर वैक्स लाइक सब्सटेंस, ओके, इट कवर्स दी लीफ, इट मेक्स इट समवट रफ एंड हार्ड सो दैट इट कैनॉट लूज वाटर इजीली। तो ऐसा क्यूटिकल, आपने एलोवेरा सबने देखा होगा एलोवेरा, तो एलोवेरा के ऊपर कैसा कड़क रहता है एकदम उसके ऊपर का सरफेस, सो दैट इज ड्यू टू योर क्यूटिकल, सिमिलर क्यूटिकल इज फाउंड हियर। क्यूटिकल जनरली जीरो फाइटिक प्लांट्स में मिलता है, एलोवेरा वगैरह जो है अपन न्यूडूंग वगैरह मराठी जिसको बोलते हैं अपन, राइट। सो नागफनी वगैरह ये जो प्लांट्स है इनके ऊपर थिक कवरिंग रहती है ताकि पानी का लॉस नहीं होना, टू प्रिवेंट वाटर लॉस देयर लीव्स आर कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल। ओके, एज वेल एज संकन स्टोमेटा इज ऑल्सो फाउंड हियर, ये सब एनसीईआरटी की और स्टेट बोर्ड की लाइन बोल रहा हूं मैं। संकन स्टोमेटा इज ऑल्सो फाउंड, मतलब उनके जो लीव्स रहेंगे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है, इतना बड़ा लीफ नहीं रहेगा, ओके, या फिर अभी साइकस के अगर आपने लीव्स देखे तो ये इधर एक लीफ है, इधर एक लीफ, इधर एक लीफ है, इधर एक नारियल की जैसी पत्तियां रहेंगी कड़क कड़क, ठीक है, इधर एक लीफ, इधर एक लीफ, एक एक्सिस है, on one axis leaves are present on both sides, such leaves are called pinnately compound leaf, pinnately compound leaves. So इनके leaves कैसे रहते, pinnately compound मतलब एक axis के दोनों तरफ leaves हैं। pinna किसको बोलते हैं, pinna, pinna are your external ears, these are called pinna. So देखो मेरे pinna एक इधर right pinna है, this is left pinna, मतलब एक axis है उसके दोनों तरफ है, so ये भी देखो एक axis है उसके दोनों तरफ, तो ऐसे लीव्स को लेंगे पिननेटली। इमली में भी रहते हैं ऐसे लीव्स, पिननेटली कंपाउंड, सीताफल, जाम वगैरह देखो, सो इनके लीव्स कैसे दोनों साइड आते हैं, सच लीफ अरेंजमेंट इज नोन एज पिननेटली कंपाउंड लीफ अरेंजमेंट। ओके, सो यहाँ पे वैसे लीव्स मिलते हैं, और ये जो लीफ है इसके अंदर जो स्टोमेटा है, ये लीफ को जूम करे तुमने तो बड़ा सा ऐसा दिखेगा तुमको, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सर्फेस, स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सर्फेस। अगर और जूम करेंगे इसको तुम, तो तुम्हारा जो स्टोमेटा रहेगा वो लीफ का जो आउटर सर्फेस है उसके अंदर ऐसा वेवाला रहेगा, और अंदर डीप स्टोमेटा रहेंगे एकदम अंदर, नॉर्मली स्टोमेटा एकदम ऊपर ही रहता यहाँ पे। ओके, स्टोमेटा में से फिर वाटर लॉस होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा,
O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा मतलब पर्णरंध्रक पत्तियों के ऊपर के छोटे छोटे जो ओपनिंग्स रहते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। सो यहाँ पे नॉर्मल स्टोमेटा ऐसे रहते हैं, लीफ सरफेस पे रहते डायरेक्ट डायरेक्ट, ओके। लेकिन अगर कोई यहाँ पे इतने ओपनिंग में इधर गड्ढे में छुपे आ ले और फिर यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा फिर यहाँ से बाहर जाए, मतलब अंदर डूबे वाले है स्टोमेटा है पे। सच स्टोमेटा हिडन स्टोमेटा आर नोन एज संकन स्टोमेटा। दे आर वेरी स्पेशल, दे आर फाउंड ओनली इन जीरोफाइटिक प्लांट्स, जीरोफाइटिक प्लांट्स में ही मिलते हैं, ओके। सो संकन स्टोमेटास आर स्टोमेटा आर आल्सो फाउंड इन द लीव्स, देयरफॉर दे आर वेल अडैप्टेड फॉर एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक हीट टेम्परेचर कोल्ड क्लाइमेट एज एटसेट्रा, ओके। तो यहाँ पे तुमको वो लीव्स जीरोफाइटिक शो करेंगे। ऑल दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, आप उतना ही पढ़ो, अपन इसको दो लेक्चर में देखने वाले पूरे चैप्टर ये वाले बिट को। तो आज इनका स्ट्रक्चर इतना देखो, पहले तो एक लीव समझ में आया कैसे, हैबिटेट समझ में आया, ओके। अब रूट्स की और स्टेम की बात करें तो स्टेम अगर लीव्स दो प्रकार के रहते हैं और एक चीज रहेगी, लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रीन लीव्स एंड स्केली लीव्स, स्केली लीव्स। तो अभी जो आपको साइकस बताया था तो साइकस का जो स्टेम है स्टेम के ऊपर आपको इस तरीके से काटे काटे जो दिख रहे हैं वो स्केली लीव्स है, ब्राउन कलर के टेम्पररी लीव्स है, और जो ग्रीन कलर के लीव्स आ रहे दे आर कॉल्ड परमानेंट लीव्स, दे आर फोटोसिंथेटिक लीव्स, ओके। परमानेंट लीव्स है, कई सालों तक भी रह सकते हैं लीव्स की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा रह सकता है, सालों तक वो लीव्स जिंदा रह सकते, ओके। सो लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्केली लीव्स एंड ग्रीन लीव्स। लीव्स के बाद बात करें अगर स्टेम की तो स्टेम इज ऑल्सो थिक सिलेंड्रिकल, स्टेम इज थिक सिलेंड्रिकल, फोटो देखते चलो बस आपको साइड में फोटो आते रहेंगे, एंड इज ऑल्सो कवर्ड बाय स्केली लीव्स, इट इज कवर्ड बाय स्केली लीव्स, एंड यस इट शोज वस्क्यूलर बंडल्स, वस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन स्टेम रूट एज वेल एज योर लीव्स। वस्क्यूलर बंडल जाइलम फ्लोएम अब यहाँ पे लगेंगे क्योंकि जाइलम फ्लोएम का काम क्या है, टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो आपको 370 फुट की ऊंचाई पे पानी लेके जाने का है तो तुमको अब कंडक्टिंग सिस्टम लगेगा यहाँ पे। अब टेंडोफाइट्स में जो कंडक्टिंग सिस्टम था वो और मॉडिफाई हो जाएगा, हाईली एडवांस टाइप का तुमको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दिखाई देगा, ओके। सो वस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट, वस्क्यूलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, ओके। दीज आर कॉल्ड वस्क्यूलर प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड वस्क्यूलर प्लांट्स। स्टेम के बाद आ जाते लास्ट पॉइंट रूट पे, तो इनके जो रूट्स थे दे आर टैप रूट्स। कौन से रूट्स मिलते हैं, एमसीक्यू पूछा था एक बार, विच टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, स्टैप रूट्स। स्टैप मतलब एक सिंगल टैप जैसा, एक सिंगल टैपरिंग जैसे कि कैरेट रहता वैसा। सो ये रूट है और उसके ऊपर उसका स्टेम रहेगा, उसको पत्ते आगे रहेंगे। सो जनरली एक स्टैप रूट रहता है ऐसा, सिंगल रूट रहता। अगर एक से ज्यादा रूट्स रहे जैसे कि ये शुगर केन में रहते हैं, एक से ज्यादा रूट्स रहते उसको सच रूट्स आर कॉल्ड बंच ऑफ रूट्स, दिस इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। सच रूट सिंगल रूट इज प्रेजेंट, प्राइमरी रूट इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड टैप रूट, ऐसे टैप रूट्स यहां दिखे। एज वेल एज दैट रूट्स शो एसोसिएशन विद टू टाइप्स टू ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि रूट्स के साथ में जो एसोसिएशन रहता पाइनस जो है अपना, अभी अपन एग्जाम्पल देखें और साइकस, पाइनस के रूट्स में आपको फंगल एसोसिएशन मिलेगा और साइकस के रूट्स में नॉस्टॉक की कॉलोनीज मिलेंगी। अब ये क्या बात है, तो पाइनस देख रहे हो आप, पाइनस के रूट्स का मैं आपको टीएस बता रहा हूं, उसके अंदर आपको फंगस ग्रो वेल दिखेगी। क्या होता है, ये जो रूट है इसके आजूबाजू फंगस यहाँ पे ग्रो वेल रहती, यहाँ पे फंगस आ गए रहती। अब फंगस आ गई तो चीजें जनरली खराब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चीज खराब नहीं होती। फंगस विल एब्जॉर्ब सम मटेरियल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड इट विल शेयर इट विद योर प्लांट, एंड इन रिटर्न प्लांट विल गिव सम कार्बोहाइड्रेट्स टू दैट फंगस एंड फंगस कैन देयरफॉर ग्रो नॉर्मली। ना फंगस प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगी ना प्लांट फंगस को नुकसान पहुंचाएगी, यहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा है। जब दोनों का फायदा होता किसका नुकसान नहीं है, तो ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कौन सा एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इट इज द एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ स्पीशीज, ओके। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, दोनों का फायदा हो रहा। किसका किसका, पाइनस के रूट्स में कौन रहते, फंगस। सो दिस एसोसिएशन ऑफ पाइनस रूट विथ फंगस इज नोन एज माइकोराइजी या माइकोराइजा। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट्स, माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट्स। सो रूट्स ऑफ
roots of pinus shows symbiotic association with fungus. Okay, this association is called symbiotic association. ओके okay, एक एसोसिएशन समझा रूट्स में क्या था, इससे होता क्या, पाइनस को ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस मिलता और उसकी ग्रोथ अच्छी होती, समझ में आ रहा। पाइनस खुद भी फास्फोरस रीअब्सॉर्ब कर सकता, सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकता, बट इट टेक्स द हेल्प फ्रॉम फंगस बिकॉज फंगस कैन इजीली डिग्रेड दैट फॉस्फेट्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड इट कैन हेल्प इन इजी एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट्स। ओके तो इसके लिए उसकी दोस्त बन जाता फिर, ठीक है। लेकिन साइकस के जो रूट्स रहते हैं, ये साइकस अगर समझे तो साइकस में दो प्रकार के रूट्स रहते, प्राइमरी रूट और ये साइड में रहेंगे कोरियोलॉइड रूट्स। कौन से रूट साइकस के, साइकस में रहेंगे कोरियोलॉइड रूट्स। तो इन कोरियोलॉइड रूट्स का आपको टीएस का फोटो आ रहा है, अगर इन कोरियोलॉइड रूट्स में आप देखेंगे तो आपको ब्लू ग्रीन अलगी, नॉस्टॉक एनाबिना ब्लू ग्रीन अलगी, इनकी कॉलोनीज, इनके थ्रेड लाइक कॉलोनीज आपको दिखाई देंगे। नॉस्टॉक के कॉलोनीज ज्यादा कॉमन है, एनाबिना भी रहती कई, सो नॉस्टॉक के कॉलोनीज आपको दिखाई देंगे। सो इससे क्या होगा, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और ये नाइट्रोजन किसको देंगे, प्लांट को। साइकस के रूट्स में कौन है, फंगस है क्या, नहीं, साइकस के रूट्स में कौन है, नॉस्टॉक, दिस इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस नाइट्रोजन एंड इट शेयर्स दैट नाइट्रोजन विद प्लांट। प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत रहती है ग्रोथ के लिए एंड प्लांट विल इन रिटर्न गिव समथिंग टू दैट नॉस्टॉक, वो उसको खाने को देगा, उसको पानी वगैरह देगा जो लग रहा हो। सो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से कुछ तो भी चीजें शेयर करते, दिस इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बट हियर साइकस विच रूट्स, कोरियोलॉइड रूट्स, स्पेशल एमसीक्यू पूछते द साइकस, इन साइकस डैश डैश शोज प्रेजेंस ऑफ नॉस्टॉक या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन प्रीवियस लेक्चर एजोला के साथ में अपन ने एनाबिना का नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला एसोसिएशन देखे थे, वो फर्न है, उसके लीव्स में रहते। यहाँ पे साइकस के लीव्स में है क्या, साइकस के कोरियोलॉइड रूट्स में नॉस्टॉक या फिर तुम्हारा एनाबिना रहेगा विच विल फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड फिक्स नाइट्रोजन। समझे रूट्स कैसे, रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, दे मे शो एसोसिएशन विद फंगस दैट इज कॉल्ड माइकोराइजी एज इन केस ऑफ पाइनस, और दे मे शो एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन अलगी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एज इन केस ऑफ साइकस इन इट्स कोरियोलॉइड रूट्स, एमसीक्यू पूछते। ओके सो हियर दैट्स ऑल अबाउट द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, जनरल स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पोरोफाइट, हियर ऑल्सो स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी। इसके ऊपर अब स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, वो सब बातें, वट एवर इज रिमेनिंग सो हम बाद में देखेंगे, बट दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पोरोफाइट, ऐसा इसका प्लांट बॉडी रहती। सो हम जो ये सब देख रहे क्रिसमस ट्री वगैरह, दे आर ऑल द स्पोरोफाइट, वो पूरा स्पोरोफाइट है उसका, समझ रहा है। अब उसके ऊपर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, स्पोरोफिल्स रहेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स, उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा, गैमेटोफाइट वगैरह, वट एवर। सो दैट लाइफ साइकिल वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।